जय श्री रणसर रामचंडी। इस वीडियो डॉक्टर निर्मल साहू एवं पुष्पा साहू जी के शोध पर आधारित है। इसमें कुलदा जाति का मूल के बारे में वर्णन की प्रतिष्ठा हुई है। आर्य का अर्थ सुसंस्कृत मानव है। विश्व इतिहास की अन्य सभ्यताओं यथा ग्रीक, जर्मन, पारसी आदि की तुलना में आर्यों का श्रेष्ठ स्थान है। इस नाते भारतीय स्वयं को आर्य कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, किंतु यह आर्य या द्राविड़ अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन ईरान और भारतीय उपद्वीपों से आर्यों दक्षिण की ओर 7000 से 3000 ईसा पूर्व आने का माना जाता है। इन लोगों ने सिंधु नदी पार कर पश्चिम पाकिस्तान और पंजाब में बसकर कालांतर में हिंदू नाम से पुकारा गया। इन लोगों ने बाद में इस क्षेत्र को ब्रह्मा नाम में नामित किया। ईसा पूर्व 2500 से 1500 तक आर्यों और द्राविड़ सभ्यताओं में संघर्ष हुआ। फलतः द्राविड़ दक्षिण की ओर जाने लगे, जबकि आर्यों गंगा जमुना इलाकों में अपना विस्तार शुरू किया। शोधकों के अनुसार इस काल में आर्यों और द्राविड़ों में सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन हुआ। ऋग्वेद और उपनिषदों का रचना हुआ। इस काल को वैदिक कहा गया। इस काल में चार वर्णों का उत्पत्ति हुआ। चारों वर्णों में वैवाहिक संबंध स्थापन हुआ। संस्कार के नाम पर जातिभेद प्रारंभ हुआ। इस काल में गंगा जमुना के उपकूलों में निवासरत आर्यों का आजीविका का साधन पशुपालन और कृषि था। इतिहासकारों के अनुसार इस इलाका मिथिला नरेश महाराज जनक के अधीन था, जो वर्तमान में दरभंगा, चंपारण, मोतिहार और नेपाल की तराई इलाका था। उनका राजधानी वर्तमान में नेपाल का जनकपुर था, जबकि उत्तर प्रदेश की पश्चिम कौशल राज्य था। राम सीता के विवाह के बाद मिथिला और कौशल में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ गया। इसके उपरांत मध्य बिहार में जनसंख्या के दबाव में कृषि क्षेत्रों में अभाव प्रारंभ हो गया। इसके कारण क्षेत्रियों का एक समुदाय उड़ीसा की ओर अग्रसर हो गया। इन लोगों ने ब्राह्मणी नदी पार कर वर्तमान में सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कटक आदि तथा महानदी के उपकूल में आकर बस गए। इन्होंने महानदी के साथ इनका उपनदियों के किनारे रहकर खेती प्रारंभ किया। जिन्होंने नदी के किनारे खेती किया कुलदा चसा, और जिन्होंने दूर रहकर खेती किया साधारण चसा के नाम पुकारे जाने लगे। ऐसे ही दो जाति कुलदा और चसा अस्तित्व में आ गई। बाद में कृषि भूमि के अभाव में कुलदा जाति बौद्ध बलांगीर, संबलपुर और वर्तमान का छत्तीसगढ़ में विस्तार किया। शोधकों के अनुसार यह जाति मूल रूप से महाराज जनक के वंशज हैं और चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जिन्होंने मिथिला से दक्षिण बिहार होकर उड़ीसा आकर कुलदा पुकारे गए। कुलदा जाति को लोग कुलदा, कोलता, कुलता, कुलता, कुलतिया, कुलथिया आदि नाम से पुकारते हैं, जबकि कुलदा शब्द को उचित कहा जाता है। तब से अब तक उड़ीसा का पश्चिम भाग और पूर्वी छत्तीसगढ़ में एक सभ्य, मेहनती, शांतिप्रिय और कृषक जाति के रूप में पहचाने जाते हैं। इस जाति उड़ीसा का बौद्ध को कब से आए, कब जाति का नाम मिला, पैसा के अनुसार जाति का नाम क्यों नहीं आर्य या द्राविड़, यह सोच का विषय बना हुआ है। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।